ना तो फिर पूरा उतरना चाहिए मैं शोबिस का हिस्सा हूँ मुझे से यही सिखाया गया, यही दिखाया गया। तो मेरे तो इर्द गिर्द सब कुछ शोबिस ही है तो मेरे साथ रह के मेरी बेटी जो देख रही है वो आप लोगों को, को ही देख रही है क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा है मैं अपने घर से ज्यादा आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ बच्चे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए तो मैं फ़राल के साथ ही सारी मूवीज़ देखती हूँ चाहे किंग कॉन्ग लगी हो चाहे टाइटैनिक लगे आगे जो जो टाइटेनिक टू सुनाए आने वाली इस तरह की जो जो फिल्म है मैं देखूंगी तो ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है फिल्म है तो मैं फिल्म देखना चाहती हूँ मगर एक फैमिली ओरिएंटेड माहौल में इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या फिल्म ये वो है जिसको हम अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं टक्साली गेट पे फिल्म बनी है टक्साली गेट नाम है यहाँ पर अंदर जो हवेलियाँ हैं दो दो हज़ार साल पुरानी है काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है तो आप क्या समझते हैं इस तरह लाहौर के खसूस इलाके कितने प्रमोट होंगे इलाकों के नाम से अगर फिल्में बनने लग जाएँ इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात करें तो कराची या फिर कोई और शहर ऐसे कल्चरल नहीं है जो कल्चर है हमारा वो लाहौर है हमारा पंजाब है तो पंजाब के ऐसे शहरों पे इस तरह के अंदरून के कोई ऐसे पुराने हवेलियाँ या नाम तो उनको अगर हम प्रमोट करते हैं अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और उनसे हम जुड़ें आपका अगर हम नाम ले तो आप अगर कल्चर के साथ जुड़े हुए नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं है क्योंकि हमने अपने कल्चर को लेके आगे प्रमोट होना है पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर जब वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं तो इंटरनेशनली प्रमोट होते हैं हम भी अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे तो आगे बढ़ेंगे फिल्म इंडस्ट्री में कितना आप देख रही हैं और आ रहा है फिल्में बनती जा रही हैं बैक टू बैक वो पुराना दौर वापस आ सकता है पाकिस्तान का लॉलीवुड का नहीं पहला दौर तो कंपटीशन का दौर होता था ना कि हमने इधर से फिल्म फेंकी है तो आगे से भी हमें फिल्म का जवाब आता था मगर इधर अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि एक आध मूवी से चेंज नहीं आएगा सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे प्रोडक्शन होंगी आ, अच्छे फाइनेंस होंगे अच्छी कास्ट होगी तो फिर मूवी मूवी बनेगी और हमें नए चेहरे भी बहुत ज़्यादा चाहिए आपको पता है बीच में मैंने भी इसीलिए गैप लिया था ड्रामा से चीज़ों से कि मैं चाहती थी कि और भी चेहरे आएँ और भी टैलेंट प्रमोट हो हर कोई सिर्फ हर वक्त हर चैनल पर या हर ड्रामों में फिजा को ना देखे तो हम लोगों के पास जो कमी है ना अभी भी बहुत सारे एक्टर्स की कमी है अभी भी, भी बहुत से ऐसे टैलेंट जो है वो प्रमोट नहीं हो पाते बहुत से ऐसे फाइनेंस हैं जो उनके ऊपर उन आर्टिस्टों के ऊपर पैसा नहीं लगाते तो मुझे लगता है उन अपकमिंग टैलेंट जो है उनको भी प्रमोट करना चाहिए बेटी को पाकिस्तानी फिल्में दिखाती हैं या इंडियन हॉलीवुड जैसे मैंने आपको बताया वेटिंग फॉर टाइटेनिक टू शाहरुख खान की बताइए शाहरुख खान की एवरी सिंगल फिल्म और सारे डायलॉग शाहरुख खान के सब कुछ जिसको याद है उसको बहुत पसंद है रितिक रोशन का डांस बहुत अच्छा लगता है हम दोनों माँ बेटी की लड़ाई है कि हम सारे रितिक रोशन के डांस नंबर जरूर देखते हैं पाकिस्तान से हमें शान पसंद है मोहम्मद राना पसंद है बाबर अली पसंद है तो ये ट्रेंड भी इसने सब देखा हुआ है तो पाकिस्तान की फिल्में भी इसने देखी हैं इंडियन भी देखी है इसने मगर तो इसने जीवा भी देखी होगी तो मैं जो देखती हूँ वही ये देखती है यू नो माँ बेटी की हमारी तो बाउंडिंग ही ऐसी है तो मुझे जो मूवी अच्छी लगती है मैं ईरानी मूवी भी निकाल लेती हूँ मुझे कुछ ऐसे देखना होता है कुछ हिस्टोरिकल स्पेनिश मूवीज हम बहुत देखते हैं तो हम इंजॉय करते हैं तो आई आई वांट के सब बच्चों को सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए और हर मजहब का जो कल्चर है वो देखना चाहिए आपका नाम क्या है फया ये बताएं कि आपको अगर शाहरुख खान के साथ फिल्म करने का मौका मिले बेटी का रोल करेंगी ऑफ कोर्स बेटी का नहीं करेगी उसकी दादी का करेगी